कांग्रेस पार्टी का आज 138वां स्थापना दिवस है। ऐसे में राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में भी स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडा तोलन कर सभी को शुभकामनाएं दी है। अब से थोड़ी देर में राजेश ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी अभी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में होगा ये हम जानेंगे। हमारे साथ अमूल्य जी हैं। सर ये बताइए कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से रिलेटेड है या कुछ अलग होगा? देखिए आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस समारोह है और आज पूरे देश भर में और सभी राज्य के मुख्यालयों में हमारा जो प्रदेश कार्यालय है सभी जगह स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारे इस प्रदेश कार्यालय में भी आज स्थापना दिवस समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद अध्यक्ष जी का संबोधन हुआ और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संगठन की बातों को आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। अच्छा सरकार के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है कितना मार्क्स देगी सरकार के कामकाज के विकास को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए कई बिंदुओं पर सरकार के अंदर जो हमारा जो एजेंडा था जो हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कई एजेंडे पर काम हुए हैं और इन 2 सालों में और आगे भी कई बिंदुओं पर काम होना बाकी है। निश्चित रूप से सरकार को हम फुल मार्क्स देना चाहेंगे और हम लोग जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का काम। बिल्कुल, तो अमूल्य जी ने फुल मार्क्स दिया है। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। ये बताइए कि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था चूँकि कांग्रेस भी सरकार में है तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो चल रहा था जो कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में क्या वो बाधा डाला सरकार के इस 3 साल कार्यकाल में या फिर आप क्या? नहीं देखिए मुझे ये लगता है कि कोई बाधा की बात नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कार्यकर्ता अगर अपनी भावनाओं से किसी भी प्रकार का अवगत कराते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये आंतरिक लोकतंत्र है क्योंकि कार्यकर्ता ही संगठन की और पार्टी की रीढ़ होते हैं। तो अगर हमारे कार्यकर्ता कोई बात अगर रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसका शीर्ष नेतृत्व भी प्रदेश नेतृत्व भी उन बातों को गंभीरता से लेता है और इससे पार्टी कमज़ोर होने की स्थिति नहीं बल्कि अगर पार्टी में किसी प्रकार की कोई बातें हैं तो उसका भी निराकरण किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात करें तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल मान रहे हैं इसको या फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? स्वाभाविक तौर पे देखिए जिस प्रकार राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की शुरुआत की और इसके तहत इस राज्य में भी हम लोगों ने उप यात्रा किया, तमाम राज्य के सभी जिलों में यह यात्रा सम्पन्न हुई, तमाम प्रखंडों में पंचायतों में ये यात्रा हुई और इसका यह परिणाम हुआ कि आदरणीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्य को बधाई दिया है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी को मीटिंग में इसके लिए बधाई दिया है। तो ये हम लोगों के लिए भी गौरव का बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो बधाई पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के तमाम कार्यकर्ताओं के पास वो पहुँचती है और कार्यकर्ता इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सरकार के 3 साल क्या कितना मार्क्स आप देते हैं? देखिए सरकार ने 3 साल तो इस सरकार का जरूर पूरा हुआ लेकिन अगर आप देखें तो सरकार 1 सालों में क्योंकि 2 साल तो पूरी तरह कोरोना काल ने राज्य को और देश को पूरी तरह शिथिल कर दिया था। उस कोरोना काल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि हम कैसे इस राज्य की जनता का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित रख पाएँ और सरकार इस पर खरी भी उतरी है। और जब 1 साल कोरोना ख़त्म होने के बाद जब 1 साल आया जब काम करने का सरकार को मौका मिला तो हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तमाम मुद्दे जो शिथिल हो गए थे उन मुद्दों को हमने शिथिलता से निकाल करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, चाहे हम पारा शिक्षकों की बात कर लें, सहिया सेविका की बात कर लें, पुलिस कर्मियों की बात कर लें, पुरानी पेंशन योजना की बात कर लें, यूनिवर्सल पेंशन योजना की बात कर लें, साड़ी धोती योजना की बात कर लें, 1932 खतियान की बात कर ले, OBC आरक्षण की बात कर ले, तो ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को महागठबंधन की सरकार ने 1 सालों में ही पूरी प्रतिबद्धता और पूरी संजीदगी के साथ अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सरकार को 10 में 12 नंबर मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो 10 में 12 नंबर जो है राकेश सिन्हा ने दिया है और अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या में क्या कुछ राजेश ठाकुर कहेंगे ये हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। सर गोविंद के साथ अंकुर सेना समाचार प्लस रांची।